As सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं बहुत ईजी है फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको आपका एक कीटोन ग्रुप है ओके जनरली आर आर सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं को आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ठीक है नाउ अगर ये वाला है और इसमें आप क्या करोगे इनकी रिएक्शन कराते हो, अल्कोहल एल्कोहल के साथ है ना अब एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करते हो सिंपल ट्रिक है दो आर ओ एच ग्रुप होंगे ओके गाइज और जब इनकी दो रिएक्शन होती हैं तो ये एच टू ओ निकल जाता है ओ आर so, है, है ना ये इसमें जो कार्बन है ये वाला इसके साथ जुड़ जाते हैं और इस बेसिकली ग्रुप को जो आप बोलते हो जो कीटोन से बनता है उसको बोलते हो आप कीटल राइट तो ये ओ आर एंड अगेन ये ओ आर तो इसको आप कीटल बोलते हो कीटल इज नथिंग बट ईथर ईथर है ना सिमिलरली जब आप अगर कोई एल्डिहाइड लेते हो है ना इस तरह का सेम अगेन वही आर के साथ रिएक्शन करते हो दैट इज एल्कोहल्स तो सेम आप एक इसको ऐसे मान लो कि देखो ऐसे रिएक्शन होगी और ये एच टू अगेन वाटर मोलिक्यूल निकाल देगा और यहाँ पर क्योंकि ये एल था तो यहाँ पे ऐसीटल बन जाएगा राइट और क्योंकि ये कीटोन था यहां पे बन गया कीटल अब ये आर सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं कुछ ये कोई रिलेशन नहीं है में ना आई होप आपको इतना समझ में आगे सो so, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये कीटल है या एसीटल है दीज आर ईथर्स राइट? राइट आर ओ सी सीओ सी ग्रुप है अब जो ईथर्स हैं, वे बेसिकली आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम वे बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं ना कि किसी एसिडिक मीडियम में ऐसा क्यों होता है जैसे अगर आप आर ओ आर ग्रुप ले लो और एसिडिक मीडियम में डाल दो एक मैं एच ले लो तो ये जो लोन पेयर है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉन की इसमें जो वो जो कन्फिग्रेशन ज्यादा है क्वांटिटी uh, है तो वो बेसिकली रिएक्शन तो कर देती है और एसिड बेस रिएक्शन होकर यहां पर ये बनके इस तरह का कुछ कंपाउंड बन जाएगा यानी एसिडिक मीडियम इट इज नॉट स्टेबल लेकिन अगर आपका गेन बेसिक हो तो ये नहीं टूटता इसलिए यह स्टेबल होता है इसका मतलब दिस इज़ करेक्ट लेकिन क्या इसका रीजन ये था कि हाई लिविंग टेंडेंसी ऑफ एल्कोक्साइड आयन गिव स्टेबल नो नाउ सबसे पहले तो आप ये समझे जो एल्कोक्साइड आयंस हैं उनकी जो लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है वो बहुत ही बेकार होती है मतलब दे एल्कोक्साइड आयंस दैट मींस दिस आर ओ आर ये वाला जो ये ग्रुप है ये वेरी बैड लिविंग ग्रुप होता है तो पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही गलत है है ना और जैसे मैंने आपको बताया बेसिक मीडियम में स्टेबल या एसिडिक मीडियम में नॉट स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि वो उसमें ओ और एच के साथ रिएक्शन करके टूट जाते हैं आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा इसका मतलब ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल दैट मीन्स ऑप्शन वन इज करेक्ट